Wow. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. First of all, I wish you all a very happy Merry Christmas. So I couldn't make my Christmas vlog because I was doing reporting and I didn't get enough time to make a proper vlog. So but now me and my owner, actually he's more like a brother to me, and Mr. Pinto Samarzu, I think you guys has seen him already in my vlog. So we are heading towards Sepa and we're going to explore the most beautiful place, which is Sepa. Okay, so stay with us and enjoy karna hamari journey ko. Finally, we reached Sepa, and this is the main gate. And from here, you will see the view of Sepa. So, bhaiya, aapko Sepa ka bare kuch bolna hai? Sepa? Sepa, bahut hi ek purana district hai, hamare Arunachal Pradesh ka. Aur Sepa ka agar hum baat kare to, hum to kafi bar yahan aa chuka hai. यहाँ कई बार हम देता है दरमियान न्यूज़ कवरेज के लिए. तो सेपा के लिए मैं इसी तरह कहना चाहूँगा कि ये जगह जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है. मैं नए नए में जब फर्स्ट माते से मैं सोचा था कि पैदल ही मैं घूम लेगा इसको, लेकिन बाद में देखा तो इतना मैंने आपका एरिया जो इतना बड़ा है, आप अकेले तक पैदल आप जा ही नहीं सकते हैं. मैं इतना बड़ा मैंने टाउन है. उसके बाद यहाँ का जो लोग है, मैं यही एक बात बोलना चाहूँगा जो कि पूरे हमारा वचन एक बात जो है, लोग बोलते हैं कि सेपा का लोग बहुत खराब है, यहाँ आदमी आना नहीं चाहते हैं, आप सेफ ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम आपको ये क्लियर बता रहे हैं कि सेपा की जो लोग हैं, आप लोग यहाँ आकर कुछ दिन बैठिए, आपको मालूम हो जाएगा कि सेपा का लोग किस तरह है. सैक्रिफाइस नेचर है, जो खुले मैंने लोगों को मदद करने के लिए ऑलवेज आगे आता है, ये सेपा के लोग हैं. तो हम लोग उस शहर में, उस जगह में पहुँच चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको. तो मिस्टर पिंटू, आपको कैसे लग रहे हैं सेपा पहुँच के? तो बहुत अच्छा लग रहा है. अभी इतना खुल के तो नहीं दिखा, पहले जब भी आते था डायरेक्ट जाते यहाँ से, आते थे आस्ते आस्ते जाके पूरा देख रहे थे ना. बहुत सुंदर है और आगे देखते जाएंगे आगे भी क्या होता है. या तो हमारे साथ एंड तक बने रहना. दिल की नजर में शहर तू बसा दिया. पहुंच चुकी हूँ तारी ब्रिज पे, और यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं निसी, उन लोगों के एक तारी करके कुछ खाने वाला एक होते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं. पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं, बट मैं चाहूँगी कि मेरी दोस्त को कहना चाहूँगी एक नज़र उस तरफ डालो. तो उस तरफ डालो तो गाइस आप देख सकते हैं ये नदी कितना सुंदर है. यहाँ के वेदर बहुत ही ज़रा अच्छा है. मुझे ना लाइक बहुत गर्मी भी पसंद नहीं, बहुत ठंडी भी पसंद नहीं है. यहाँ के एकदम मीडियम है वेदर. ऊपर नहीं दिखाएगा. तो चलिए चलकर हाँ इस साइड भी एक सब नज़र डालोगे. आप देख सकते हैं वेदर लुक, ओह माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ. आप सभी को स्वागत करते हैं मिस खिलुजू ब्लॉग्स ना, स्वागत करते हैं. तो मैं आप सभी को बता दूं, हम लोग प्रॉपर जो सेपा टाउन में आ चुका है. अभी हम लोग यहाँ का जो बहुत ही फेमस जो प्रसिद्ध ब्रिज है, तारी ब्रिज आप बचा हुआ है. वैसे तो मैंने ये ब्रिज को कई बार मैंने अपना जो चैनल है वहाँ पे भी डाला था कुछ कहानी. ये जो यहाँ का जो क्या बोलेगा हिस्ट्री में आपको बताना चाहूँगा, ये जो तारी का तारी में ये ब्रिज जो है, इससे पहले नाम दूसरा था, ये तारी ब्रिज जो है बाद में हुआ है. सुनने में यह आया कि यहाँ ये जो जगह है, ये जो नदी जो है, ये बहुत ही हमारा अरुणाचल का बहुत फेमस नदी कमिंग रिवर, ये कमिंग रिवर है. कमिंग रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है. ये जो है, ये ब्रिज का जो नाम रखा गया है बहुत ही रहस्य छुपा हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा. ये तारी जो है, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, साजोलंग, गांधी पॉक ना, साजोलंग नाम बोलते हैं.
तो ये एरिया जो है अक्सर जब आप इवनिंग समय में देखिएगा तो यहाँ ने मतलब तारी बहुत मिलता है। तो जब यहाँ में एक ऑलरेडी ब्रिज था तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ का जो लोग हैं वो तारी पकड़ रहा था यहाँ आकर, तो एक्सीडेंट वो जो है ब्रिज जो है वो गिर गया क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया, आदमी ज़्यादा था। तो इसीलिए फिर गिरने के बाद में काफ़ी सारा जो है ये कामिंग रिवर जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर गिरा है और काफ़ी लोग को इंजर्ड भी हुआ है, कुछ डेथ भी हुआ है। तो ऐसा कि फिर ये नया जो अभी जो ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये नया ब्रिज फिर बनाया गया है, उसके बाद ये ब्रिज का नाम जो है तारी ब्रिज यहाँ दिया गया है। तो ये आप लोग जब सेफ आएगा तो आप ज़रूर यहाँ आइए। तो गाइस दिस इज माय फर्स्ट विजिट हियर, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहली बार पहुंच के? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमको तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है ये ब्रिज में, सेल्फी तक लेने नहीं सक रहे, ब्रिज बहुत झूल रहे, लग रहा है यहाँ का लोग जान पूछ के ब्रिज को हिला रहे हैं। तो गाइस हम कृपा कर रहे हैं और ये हम का फर्स्ट टाइम कृपा से पाला कृपा से सारे काफी ये तो कुछ न्यूज़ नहीं, उनमें आपने देखा लगता है।